और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, विपक्षी दलों का डेलीगेशन मणिपुर पहुंच गया है। इम्फाल पहुंचे विपक्ष के 21 सांसद, हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है सांसदों ने, दौरा भी करने वाले हैं। साथ ही 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर गए हुए हैं। तो देखिए विपक्षी दलों के सांसद गए हुए हैं, दो ग्रुप में सांसद गए हैं जो कि अलग अलग जगहों पर आएंगे, खास करके जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर जाएंगे और लोगों से मुलाकात भी करने का कार्यक्रम पहले से तय है। इम्फाल पहुंच गए हैं विपक्ष के कुल 21 सांसद। समझो, लेट अस, आवर डिमांड इज दैट वी वांट पब्लिक्स डिमांड टू बी हर्ड एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ द पीपल। वी हैव नॉट कम ऑन इट आवर ओन डिमांड, वी हैव कम टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ मणिपुर एंड देयर कंसर्न। तो देखिए एक तरफ विपक्ष के सांसद पहुंच गए हैं मणिपुर, वहीं विपक्ष के मणिपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। विपक्ष का मणिपुर दौरा सिर्फ दिखावा है, यह अनुराग ठाकुर ने कहा। विपक्षी दल पश्चिम बंगाल जाएंगे क्या, यह सवाल पूछा। बंगाल पर क्या बोलेगी कांग्रेस, ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये मात्र दिखावा है जो i.n.d.i.a के कुछ सहयोगी दल जो उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं वो गए हैं मणिपुर में। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे, इनके तो राज्य मंत्री तक बयान देते थे जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं वहां पे हो गई। 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुंह में दही जम जाता था। और आज ये i.n.d.i.a के जो सदस्य हैं ये मणिपुर से जब वापस आए, तो मेरा निवेदन है संसद तो आप चलने नहीं देंगे, तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है, कहा मणिपुर की तुलना अन्य राज्य से करना गलत है। प्रोफेसर साहब, टीम तो निकल गई और बीजेपी की तरफ से भी तीरें चलने लगी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि भाई बंगाल में भी हिंसा हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है, वहां कब लोग ये लोग डेलीगेशन लेकर जाएंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बंगाल, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या जहाँ भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ की छिटपुट हिंसा की बात करता है और उसकी तुलना मणिपुर से करता है, तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई और हो नहीं सकती। क्योंकि मणिपुर का प्रश्न जो है वो अन्य से सबसे हटकर है। मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से मिल रही, म्यांमार में फौजी शासन है, तमाम वहाँ उग्रवादी संगठन हैं जो इधर से उधर आते जाते रहते हैं। वहीं मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर के राहत शिविरों का दौरा किया है, लोगों से मुलाकात की है, खाने पीने और का सामान और दवाएं भी इन राहत शिविरों में उन्होंने बांटा है। रोजाना 1,000 रुपए देने का लोगों को वादा भी किया है। राहत कैंप में रह रहे बेघरों को जल्द 400 नए घर सौंपे जाएंगे, राज्यपाल की तरफ से ये तमाम प्रभावित लोगों से कहा गया है। साथ ही कहा है कि मणिपुर के ताजा हालात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये चूराचांद डिस्ट्रिक्ट में ये दूसरा विजिट है मेरा, और मैंने पिछले बार भी कैंपों में जाकर और जो भी देखा, लोगों से मिली, उनकी जो भी तकलीफ थी, दर्द, उनका दुख था, मैंने उनकी सारी चीज़ों की बात सुनी और जो कुछ भी था मैंने कोशिश किया इनकी जो भी मूलभूत जो वर्तमान में उनकी आवश्यकता की चीज़ें थी वो मैंने जाकर और के शासन को निर्देश दिया था, और वो उसमें काफ़ी कुछ इनकी सुविधाएँ इनको प्राप्त हुई है। जो दिनचर्या की चीज़ों का जो था, पहले तो केवल भोजन ही मिलता था, लेकिन साथ साथ उनके जो चाहे वो उनका कपड़े हैं, उसके साथ साथ साबुन है, सौंप है, ब्रश है, ये तमाम जो चीज़ें थी और ये सारी चीज़ों को भी निर्देश दिया था, हाइजीन किट से लेकर
और मच्छरदानी और बेड और चादर, ये भी एक जरूरी था ना।